विधायक समीर कुनावर हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में अपने विधायक पद की भूमिका पूरी तरह से निभाने में सक्षम रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा सत्र में महाराष्ट्र विधानसभा के तालुका अध्यक्ष की पद पर विराजमान थे। यहाँ भी उन्होंने सराहनीय कार्य कर दिखाया है। हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र की सूक्ष्म जानकारी एवं जनता की मांग को प्राथमिकता देने की भूमिका हर वक्त निभाते हुए विधानसभा क्षेत्र में जनताभिमुख विकास की नींव 9 वर्ष के कार्यकाल में रखी है। विधानसभा क्षेत्र में आरोग्य सेवाओं की कमी उनके पैनी नजर भी उनको बार बार सता रही थी। सन 2004 से इस दिशा में उनकी कोशिश जारी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 13 जिले में सरकार द्वारा शासकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। इसमें वर्धा जिले को स्थान दिया गया, लेकिन कश्मकश में स्थान घोषित नहीं किया गया था। विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिकता को देखते हुए अपना विधायक पद दांव पर लगाते हुए विधानसभा नागपुर क्षेत्र सत्र के पहले दिन ही अपने शिंदे फडणवीस सरकार के विरोध में विधान भवन के सीढ़ियों पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी हिंगनघाट शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण का निर्णय नहीं हुआ, तब कश्मकश के संघर्ष में विधानसभा सदस्यता के इस्तीफा देने तक पहुंच गया। लेकिन विधानसभा सत्र के आखिरी दौर में सरकार को हिंगनघाट विधानसभा के विधायक समीर कुनावर के एवं जनता की मांग के आगे झुकना पड़ा। सत्र के आखिरी दिन विधायक समीर कुनावर के मांग को सरकार द्वारा मंजूर करते हुए मेडिकल कॉलेज हिंगनघाट में घोषित किया गया। इस वक्त समीर कुनावर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष पद पर पीठासीन थे। विधायक कुनावर ने इस समय राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आभार प्रदर्शन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और ऐतिहासिक सरकारी मेडिकल कॉलेज विधानसभा क्षेत्र हिंगनघाट शहर के लिए मंजूर कराकर जनता की मांग पर खरी उतरी। इनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।